तो गाइस हमारे साथ है इंडिया की मोस्ट फॉलोड इंस्टाग्राम पे टीवी एक्ट्रेस जनत जुबेर रहमानी। टिकटॉक में 20 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम में 11.8 मिलियन, यानी करोड़ों लोग फॉलो करते हैं इनको पूरे इंडिया में, पूरे अब्रॉड से। और ये आज है यहाँ पे सेलिब्रिटी फेज में फोटोशूट के लिए अपने फैंस के साथ। तो जनत, पहले तो ये जानना चाहेंगे अभी तक का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सेलिब्रिटी फेज के साथ अपने फैंस के साथ शूट करा के। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरा फोटोशूट का जो जर्नी था फर्स्ट इवेंट सेलिब्रिटी फेज के साथ था लास्ट ईयर फेब में। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम सेलिब्रिटी फेज और आई थिंक दे आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू फोटोशूट इवेंट्स। सो माय एक्सपीरियंस हैज बीन अमेजिंग। ऑब्वियसली गाइस, मैं ये भी बताना चाहूँगा जब जन्नत फर्स्ट टाइम सेलिब्रिटी फेज में आई थी तब उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हुआ करते थे इंस्टाग्राम पे लास्ट ईयर। यस, एंड आई थिंक विद इन अ ईयर्स टाइम 11.8 मिलियन सबको बीट करते, जितनी टीवी एक्ट्रेसेस हैं सबको बीट कर दिया जन्नत ने। तो जन्नत, इसके बारे में क्या बोलेंगी आप? रूल कर रही है टीवी, इवन वीडियो एल्बम्स एज वेल, इसके बारे में क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँ इसके बारे में, समटाइम्स इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी आल्सो व्हेन आई सी दैट लास्ट ईयर, जैसे मैंने कहा 1 मिलियन लास्ट ईयर ही थे और अभी 12 मिलियन होने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स समटाइम्स इट्स इटली आउट, वी कैन सी द ग्रोथ। Yeah, of course, I don't believe the growth though, even I'm very very thankful to all my fans and all the people who are giving me itna sara pyar aur itna sara support. Bas aise hi agle saal bhi hum interview kar rahe hain, let's see what the number 1 million the 12 hone wale hain, maybe next year jab hum kare to around 30 or 40 million ho jaye aapke, maybe most followed across the world. Great, all the best and wishes from celebrity face. Acha Jannat, ek aur cheez puchna chahenge aapse, आपके एवरी वीक हम न्यू वीडियो एल्बम्स देखते हैं, आई थिंक यू आर द वन जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वीडियो शूट्स करी, वीडियो एल्बम्स करी एक साल में, इतने सारे लॉन्च हो गए। आपका फेवरेट कौन है, आपका गाना? मेरा फेवरेट गाना आपका जो है, आपने इतने सारे वीडियो एल्बम्स किए उनमें से? एक्चुअली ना क्या होता है ना, जैसे वीडियो मुझे किसी की बहुत ज़्यादा पसंद है और गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, देन कम्स टू माई सॉन्ग विच इज लाइक ऑफ कोर्स माई फेवरेट। सो इश्क फर्जी कम्स सबसे ऊपर बिकॉज इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मेरा पहला डेब्यू था, मेरे बर्थडे पर आया ये दिन और इतना ज़्यादा प्यार उसको मिला। तो इश्क फर्जी, अदरवाइज बहुत सारे गाने हैं जो मुझे पसंद है बट इश्क फर्जी ऑफ कोर्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। दैट्स रियली ग्रेट टू नो दैट। ऑल्सो जन्नत, ये भी जानना चाहेंगे आप पूरे इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वीडियो एल्बम्स कर रही हैं, क्योंकि यू आर द वन हू इज डूइंग द मैक्सिमम वर्क, हर वीक आप बिजी हैं, इसके पीछे वो राज क्या है, ऐसे सक्सेस कैसे मिलती जा रही है आपको, इतना क्या करती हैं जो लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं? ऐसा मैं क्या करती हूँ? ऑब्वियसली आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स एंड माय डैडी हु इज ऑल टाइम बिजी, यू नो, मैनेजिंग थिंग्स एंड मीटिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। मतलब मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि डैडी प्लीज रख दो फोन अब, आप कितना मतलब कितना काम करना है। सो आई थिंक मुझे तो यू नो ऐसे बोलते डिश रेडी मिल जाता है कि आपको ये करना है, बट बाकी पीछे का जितना भी प्रोसेस होता है आपको ही पता होगा, आपकी सारी कोऑर्डिनेशन डैडी से होती है। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रियली कूल। ऑल्सो ऑब्वियसली आप टिकटॉक में बहुत पॉपुलर हैं, 20 मिलियन प्लस 2 करोड़ लोग फॉलो करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड आपको, एंड हम ये जानना चाहेंगे जन्नत जुबेर का फेवरेट टिकटॉक स्टार कौन है? आपका फेवरेट टिकटॉक स्टार कौन है? टॉप 3 बता दीजिए। टॉप 3 या आपके लिस्ट में कौन आता है? ये इसके वीडियोज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसके बेकार है ऐसा कुछ नहीं, बेकार किसी के भी नहीं है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द पीपल जो भी बच्चे बना रहे हैं इतने क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं और इतनी अमेजिंग एक्टिंग करते हैं और सबकी एडिटिंग स्किल्स वगैरह मतलब एकदम बहुत अमेजिंग है। सो ऑल द बेस्ट टू देम, बट आई थिंक आई विल से अयान का नाम बिकॉज देन आई नो इफ ही वॉचेस दिस इंटरव्यू देन ही विल बी लाइक व्हाई डिडंट यू टेक माय नेम, एंड आल्सो बिकॉज वो बहुत अच्छे स्लोमो वीडियोस बनाते हैं और उसके एक्सप्रेशन मुझे बहुत पसंद है। देन आई से अवेज, अवेज के मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत क्रिएटिविटी और हाँ बहुत अच्छे मैसेज वाले वीडियोज बनाता है। इसके अलावा जन्नत, आपको किस टाइप के वीडियोज बनाने पसंद है टिकटॉक के ऊपर?
आप किस टाइप के वीडियोस ज़्यादा बनाते हैं? तो मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ टिकटॉक पे, बट आई थिंक मुझे बहुत सारे, लेकिन जिसमें ज़्यादा एक्टिंग का फैक्टर हो, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट इज़ माय काइंड ऑफ अ प्लस पॉइंट, क्योंकि मैं एक्टिंग बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो जो एक्टिंग वाली वीडियोज़ होते हैं, रोने होना जिसमें ज़्यादा दिखा सकूँ मैं, वैसी वीडियोज़ मुझे ज़्यादा मज़ा आता है बनाने में. अदरवाइज ट्रेंड तो चेंज होता रहता है, सो यू हैव टू गो विद द ट्रेंड. और तो जन्नत ये जाना चाहेंगे आपके फैंस, आप बताइए कि आप लखनऊ आ रही हैं सेलिब्रिटी फेस के साथ 15 दिसंबर, तो उसके बारे में कुछ बताएं, फैंस कैसे मिल सकते हैं लखनऊ में आपसे? लखनऊ तो आपका घर है आई गेस. लखनऊ मेरा घर है, मेरे चाचा मेरी फूफो सब वहाँ रहते हैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ जब ऐसा कोई कॉल भी आता है कि लखनऊ में कोई इवेंट होने वाला है. तो सेलिब्रिटी फेस में आपको पता है रजिस्टर करने के लिए क्या करना है, इतनी बार ऐसी वीडियो में बनाती हूँ, बनाते बनाते हंसी आती है. ऑल यू हैव टू डू इज सेंड इन योर बेस्ट पिक्चर्स टू सेलिब्रिटी फेसेस इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप में, नंबर्स ये डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उसमें आप प्लीज़ आप अपने पिक्चर्स भेजिए और सिलेक्ट हो जाइए मेरे साथ फोटोशूट के लिए और फैबुलस मेकओवर के लिए. सो दैट इज ऑल, लेट्स मीट इन माय होम टाउन. जन्नत किससे मिलना है? लखनऊ आ जाओ, लखनवी शूट होने वाला है वहाँ पे. बहुत ही क्या टेंशन वाला ठंड है, तो यू नो बहुत सारी अच्छी चीजें, मक्खन मलाई एंड ऑल, यू गेट वेरी टेस्टी. दैट इज माय पर्सनल फेवरेट इन लखनऊ, ठंडा खाना. तो गाइस आज और सारे के सारे लखनऊ, 15 दिसंबर को शूट है, एंड ये वीडियो तो पहले ही हम लॉन्च कर देंगे, तो अप्लाई जरूर कर लेना एंड मिलने आ जाओ अपनी फेवरेट जन्नत के पेज से. और जन्नत कुछ ये बताइए, क्या टिप्स देना चाहेंगी उन फैंस को जो आपकी तरह बनना चाहती हैं, गर्ल्स मेनली जो टिकटॉक पे हैं, एक्टिंग में आना चाहती हैं, कुछ टॉप 3 टिप्स देना चाहें उनके लिए, बिकॉज आपकी फीमेल फॉलोइंग जो है वो बहुत टीनएजर्स ही हैं, आपकी एज ग्रुप के ही है. हाँ एक्चुअली मेरे एज ग्रुप के हैं, और अभी कुछ कुछ तो बहुत ही छोटे छोटे दिखती हैं. आपके हैं मुझे तो छोटी छोटी बच्ची दिखती हैं. दैट गर्ल केम टू मी एंड शी इज लाइक मैं आपके नाम का टैटू बनाऊंगी. आई एम लाइक शी इज 3 or 4 इयर्स ओल्ड. टैटू का मतलब पता है इसको. आई जस्ट से दैट डोंट ट्राई टू बी मी एग्जैक्टली. ऑफकोर्स यू कैन टेक सम फैक्टर्स जो आपको पसंद है मुझ में, आप उसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बट ऑलवेज बी योर सेल्फ, बी यू, बी यूनिक, एंड be happy and be comfortable in what you are. Never try to become somebody, you know, be you aur apna ek naya version baniye. So of course you can pick things from me if you like, kuch kuch, lekin apne tarah rahiye aur meri tarah pura mat baniye, aise kisi ki bhi puri tarah se copy nahi kijiye. So yeah. और आप कितने घंटे काम करती हैं डेली, लाइक वर्कआउट वगैरह, शूट्स वगैरह, कितने जब टीवी में थे तो कितने घंटे शूट्स करती थी आप? जब तू आ चुकी करती थी, तो का शेड्यूल मेरा होता था 12 घंटे में ऑन सेट रहती थी, और कभी टेलीकास्ट इश्यू होता था तो वो 13-14 घंटे हो जाता था, प्लस मेकअप और हेयर के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा, प्लस ट्रैवलिंग, यानी 16-17 आवर. हाँ जी, तो उतना रहता था. और अब मैं लिटरली सोचती हूँ कि वो, क्योंकि अब एक साल बंद करके हो गया है, तो अब मैं लिटरली सोचती हूँ कि इतना घंटे में हर रोज कैसे करती थी, क्योंकि वो आदत चली गई. तो अब मैं आई थिंक वही हार्ड वर्क है जो आपको अभी अगेन आ रहा है, एंड यू आर सक्सेसफुल लाइक एनीथिंग. हां मतलब वैसे ही सोने जाते थे कुछ घंटों के लिए, पता नहीं लगता था, अरे अभी तो आग बन गई थी, सुबह भी हो गई, फिर फटाफट सेट पे भागो, फिर घर पे से सो जाओ आके, फिर फटाफट सेट पे भागो, तो बस यही होता था. आपको कोई ये नहीं बोलता कि जन्नत सारे वीडियो एल्बम्स तो तुम ही कर रहे हो, किसी और को तो चांस दे दो एक कि वो भी वीडियो एल्बम्स कर ले, ऐसा कोई बोलता है? सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, और बहुत सारे अच्छे गाने आ रहे हैं, ऐसे बिल्कुल इतने ट्रेंड हो गए कि इतने सारे गाने आ रहे हैं. आई थिंक सारे ही सॉन्ग आपके मेनली इंडिया ट्रेंड करते हैं, नंबर वन पे होते हैं, वर्ल्ड में भी ट्रेंड किया है, तो ऑब्वियसली जो हार्ड वर्क पहले किया उसी का अगेन आपको मिल रहा है. सो गाइस ये थी जन्नत दुबेर, बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू करके, थैंक यू सो मच जन्नत, ऐसे ही सेलिब्रिटी वेज में आते रहिए और ऐसे ही प्यार अपने फैंस को देते रहिए. टिल देन थैंक यू सो मच गाइस.